फ्रेंड्स तो सर्दियाँ आ गई हैं और घरों में हरे हरे मटर भी खूब भर के आने लगे हैं, और ऐसे में हम लोग हरे मटर की कोई न्यू रेसिपी ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता। क्या आगे हरे मटर की बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है, बिल्कुल बारीक वाले है, आप चाहें तो मोटी वाली भी सूजी यूज कर सकते हैं। अगर आप चावल का आटा लिया है, आप चाहें तो चावल की आटे की जगह पूरी सूजी ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डालना है 1 कप दही, याद रहे कि खट्टी दही बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है। अगर आप खट्टी दही यूज कर रहे हो तो उसे आधा कप ही यूज करो। उसके बाद से हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तरीके से मिलाने के बाद अब हम लोग इसमें जरूरत के हिसाब से पानी यूज करेंगे और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। थोड़ा पानी लेके हम लोग इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें एक भी लम्ब्स ना रह जाए। आप देख सकते हैं हम लोग का फाइन पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इस बैटर को बना के रेडी कर लिया। अब हम लोग इसे साइड में रख देंगे ढक करके। पैन लेंगे, उसे अच्छी तरीके से गर्म कर देंगे। उसके बाद से रिफाइन ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए हम लोग 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ऑयल में इसका फ्लेवर आ जाए। उसके बाद से हम लोग इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से इन दोनों को मिक्स कर देंगे। जीरा भी अच्छी तरीके से चटक जाना चाहिए। अच्छी तरीके से चटक जाए तब हम लोग 1 कप बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम लोग इसे अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब अच्छी तरीके से प्याज सॉफ्ट हो जाए तब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पहले से बॉईल किया हुआ फ्रेश हरा मटर। को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम लोग देख सकते हैं, मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि मटर हम लोग का पहले से ही बॉयल था तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। पहले से ही बॉयल है तो हम लोग इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं। हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैगी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पे फ्लेवर देने के लिए ओरिगेनो का यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप ओरिगेनो को स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि हम लोग का मटर पहले से ही सॉफ्ट है तो हम लोग को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आप बॉयल नहीं किए हो पहले से तो आप इसे ढक करके 1 मिनट और पका लें। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हम लोग अपने सूजी और आटे का पेस्ट देख लेते हैं। हम लोग को ढक के रखे हुए इसे 5 मिनट हो गया लगभग। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसकी जगह इनो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसमें ऐड कर देंगे नमक और थोड़ा सा ऑयल। अब इन सिंगों अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी लेके मिक्स कर लेंगे ताकि हम लोग का जो बैटर है अच्छी तरीके से जो फूल चुका है वो एक अच्छे से कंसिस्टेंसी में आ जाए। बस हम लोग पानी लेके अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम लोग का बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से छन्नी ली है। उसके बाद से मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी चारों तरफ अच्छी तरीके से। अब मैंने कढ़ाई में पानी पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। जब पानी में एक बॉयल आ जाए तब हम लोग उस पर इस तरीके से छन्नी को रख देंगे। रखने के बाद हम लोग चम्मच से थोड़ा थोड़ा लेके इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हम लोग इसे शेप देंगे सूजी के बैटर का। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो इधर सर्कल शेप का भी बना सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप का बना रही हूँ। आराम से हम लोग 1-2 चम्मच लेके अच्छी तरीके से फैलाएंगे। ध्यान आप लोग को इस बात का रखना है कि हम लोग का जो बैटर होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए। अगर पतला बैटर होगा तो वो जालने के रास्ते निकल जाएगा। अच्छी तरीके से बैटर बना रहेगा तो जब तक वो बहने वाला भी होगा तो हम लोग का भाप की वजह से वो अच्छी तरीके से पक जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगभग 3 ट्रायंगल शेप में ये बना के रेडी कर लिया है। तो इसे मसाला ऐड कर देंगे जो बना के रखे थे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मसाला लिया। इसे अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं तीनों पे मैं इवनली रख दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसे अच्छी तरीके से हम लोग ऊपर से चम्मच की हेल्प से जो बैटर है उसे अच्छी तरीके से इसे कवर कर देंगे मसालों को। और हम लोग को बैटर को बिल्कुल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बस हम लोग को इतना करना है कि फिलिंग को अच्छी तरीके से कवर कर ले। बस बिल्कुल पतली लेयर में हम लोग इस तरीके से बैटर को गिरा देंगे। अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने बैटर को गिरा दिया है। बस थोड़ा सा शेप में दिक्कत आएगा, आप देख सकते हैं। मच की हेल्प से इसे सेप दे दे रही हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग इसे ढक करके लगभग 6 से 7 मिनट तक इसे पकाएंगे।
तरीके से पक जाए। 6 से 7 मिनट के बाद ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से पक चुका है, ऊपर से भी ड्राई हो चुका है और इसे आप टच करके भी देखोगे तो ये अच्छी तरीके से आपको इसका सॉफ्टनेस पता चलेगा। चम्मच की हेल्प से इस तरीके से आराम से बाहर निकाल के देखिए, ये देखिए कितना अच्छी तरीके से हम लोग का दोनों तरफ से पक चुका है। अब हम लोग इसे साइड एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। तरीके से हम लोग सभी को आराम से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे साइड में। आप लोग भी इस न्यू रेसिपी को बना के जरूर ट्राई करना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हम लोग को क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो अब हम लोग एक पैन में 2 चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे राई। इसे अच्छी तरीके से चटकने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग इसमें चिली फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हम लोग सफ़ेद तिल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छी तरीके से इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चारों तरफ हम लोग फैला देंगे। फैलाने के बाद अब हम लोग इसमें तीनों नाश्ते को इसमें अच्छी तरीके से रख लेंगे। आप देख सकते हैं तीनों को दोनों तरफ से अच्छी तरीके से हम लोग हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी यूज़ किया है। अब इन सबको अच्छी तरीके से घुमाते हुए चारों तरफ से इसे पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। लोगों ने यहाँ पे जो नाश्ते में अंदर से फिलिंग का यूज़ किया है वो बहुत ही चटपटी बन के रेडी होते हैं, और इस तरीके से जब हम और फ्राई कर देंगे तो इस नाश्ते का और भी स्वाद बढ़ जाता है। इसे फ्राई करने के बाद अब हम लोग इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। आप देख सकते हैं देखने में भी बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। इस तरीके से हरी मटर का नाश्ता कभी नहीं बना के ट्राई किया होगा, तो आप लोग भी एक बार इस नाश्ते को बना के ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही यम्मी लग रहा था, यकीन मानो। तो इसे बच्चों के लंच में भी बना के दे सकते हो, उनको बहुत पसंद आने वाला है। उनको क्या, आप सभी को ये बहुत रेसिपी पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल यम्मी है। किसे जो हम लोग फ्राई कर दिए ना, तो वाह, इसका लुक भी बढ़ जाता है और टेस्टी भी लगने लगता है। फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।